नमस्कार, मैं हूं कनिष्क। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश न्यूज़। और जैसा कि मैं पता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन ना मिलती हो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसकी वजह से जो आम व्यापारी हैं यहाँ के, चंडीगढ़ के ले लो या ऑल ओवर इंडिया ही ले लो, बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं और उनकी जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ऑनलाइन की जहाँ बात करें तो वहाँ पर भी पता नहीं लगता कि जो चीज़ें बिक रही हैं वो एकदम ठीक क्वालिटी की हैं या नहीं है, या कैसे बेच रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो बस एक फ़ोटो खींच लेते हैं और उसे बेच देते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के व्यापारियों से कि उनका क्या कहना है और क्या सोचते हैं वो कि ऑनलाइन शॉपिंग के बाद उनको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपका नाम? गौरव। गौरव जी, ऑनलाइन शॉपिंग जो है उससे कहीं जो दुकानदार हैं उन्हें नुकसान और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भी हमें बताइए कि क्या आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो सर सबको ही है। ऑनलाइन जो काम है, ये ऑनलाइन काम सर मार्केट का धंधा फेल कर रहा है। इससे क्या है कि अभी दिवाली गई है पिछले महीने, आपने देखा होगा कि मार्केट बिल्कुल खाली थी, दुकानदार टेंट लगा के खड़ा है, सामान बेच रहा है, कोई ग्राहक नहीं है टेंट पे, अकेला दुकानदार है और उसका टेंट है और उसका सामान है। क्योंकि हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, अमेज़न से कोरियर आ रहा है और आपका ट्रैकोन से आ रहा है, जितने भी कोरियर वाले हैं उनको फुर्सत नहीं है क्योंकि शॉपिंग ही ऑनलाइन हुई है सारी। मार्केट में काम सर बिल्कुल फ्लॉप था दिवाली पे, कोई पता नहीं चल रहा था कि दिवाली है, फेस्टिवल का कोई शौक ही नहीं था बंदे को क्योंकि सारी शॉपिंग ही ऑनलाइन हुई है सर। मॉल्स खाली थे, कोई काम नहीं था मार्केट में। आपका नाम? सर मेरा नाम सुरेश चौहान है। सुरेश जी, ऑनलाइन शॉपिंग जो आजकल हो रही है उसकी वजह से जो आम व्यापारी हैं, मतलब जो जिनकी दुकानें हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है उससे हमें इतना नुकसान हो रहा है, हमारा 40-40 हज़ार रुपये शोरूम का किराया है, तो जब भी कोई बंदा कोई सामान खरीदने आता है आके मोबाइल निकालता है, कहता देखो ऑनलाइन इतने का मिल रहा है। तो देखिए सर, अगर हम उससे भी कम रेट देंगे जो हमारा मार्जिन नहीं मिलेगा कुछ, तो हमें कितना नुकसान हो रहा है, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर मांग आपकी हम सरकार तक लेके जाएं, तो आप क्या, आपकी क्या मांगे हैं जो आप सरकार से चाहें कि वो पूरी करें? सर हम तो ये कहना चाहेंगे अगर ऑनलाइन भी कोई सामान बेचे हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, बट प्राइस इतना होना चाहिए कि उसमें मार्जिन हो। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं होगा तो सर कस्टमर तो हमसे सामान लेगा नहीं, ऑनलाइन मंगवा लेगा, तो हमारा इतना कैसे खर्चा निकलेगा, हम तो इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका नाम? अमित गोयल। अमित जी, ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जो भी सामान है वो ऑनलाइन खरीदें, इसकी वजह से जो आम यहाँ पे दुकानदार हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ऑनलाइन मार्केट तो होनी नहीं चाहिए, जैसे मतलब ऑनलाइन होने से हमारे व्यापार बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं, हमारे मतलब बिल्कुल ही खाली बैठे रहते हैं, सुबह आते हैं मार्केट में और शाम को फिर खाली होके चले जाते हैं, हमारे बेरोजगारी ही बड़ी है ऑनलाइन से, मतलब यदि ऑनलाइन रहा तो बिल्कुल ही लोग सड़कों पर आ चुके हैं। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आजकल लोग, बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन ही खरीदें, उससे जो आम व्यापारी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मंदी जो है वो देखने को मिल रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है कि कितनी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है व्यापारियों को? ऑनलाइन के कारण मार्केट तो पूरी खाली हो गई है जी, मार्केट में जो दुकानदार हैं उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी भुखमरी वाला काम हो गया, ये एक स्लो पॉइजन है। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है ऑनलाइन से परचेज कर रही है, आने वाले टाइम में लोगों को ये नहीं पता है इसका नुकसान क्या होगा, आजकल जॉब जो लोग करते हैं उनको जॉब मिलनी बंद हो जाएगी, बिजनेस तो वैसे ही ठप हो चुके हैं, मार्केट में कस्टमर नहीं है, ऑनलाइन से जो है पूरा मार्केट ये लगा लो 80% मार्केट में स्लो है। आपका नाम? जगदीश। जगदीश जी, ऑनलाइन जैसे ये सब सामान जो आपके इस शॉप में पड़ा हुआ है और बिक रहा है वो ऑनलाइन भी मिलता है और लोग 200-500 के डिस्काउंट की वजह से ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना, तो इससे सेल्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है यहाँ की मार्केट पे? देखो प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ये जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि ऑनलाइन का, एक तो इंडियन तो है नहीं है, ये बाहर की कंपनी एक इंडिया में राज कर रही है, ठीक है। देखो कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन जा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मतलब ऑफलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं। पहली बात, 10 प्रोडक्ट उसमें अच्छे आ रहे हैं, 10 प्रोडक्ट उसमें ख़राब आ रहे हैं, कस्टमर फिर भी यहीं पर आ रहा है कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कस्टमर वैसे हम नॉर्मली हम गाइड करते हैं कि जी वहाँ जाने से बड़े आप यहाँ पर देख लो, प्रैक्टिकल आप यहाँ पर प्रोडक्ट देख रहे हो। सर आपका नाम? रवि गोयल। रवि जी, ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है आजकल उसकी वजह से जो यहाँ के व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारा ही फ़र्क है जी, कस्टमर आता है यहाँ से कोई आइटम देख के ऑनलाइन से कंपेयर करता है, ऑनलाइन पे इतने का मिल रहा है,
डेफिनेटली पूरा ही इफेक्ट है जी। तो आपको नहीं लगता कि जो ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो उस पर क्वालिटी का भी फ़र्क पड़ता है? क्वालिटी का तो नहीं बोल सकता मैं, फ़र्क है या नहीं, अब है तो वो भी कंपनीज के आइटम ही बेचते हैं, लेकिन वो पता नहीं किस कैस किस हिसाब से देते हैं, हमारी कॉस्टिंग से कम में ऑनलाइन प्रोडक्ट वो दे रहे हैं जी। बिल्कुल, ये थे लोगों के यानी व्यापारियों के कुछ व्यूज़ जो कि VIP रोड पे चंडीगढ़ जीरकपुर में बताए हमें उन्होंने कि कितना नुकसान उन्होंने झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ मैं कनिष्क, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।